دنگم جان چاہیے جان دیں گے ہم یہ بازی خون کا بازی ہے یہ بازی ہم ہی جیتیں گے Osama bin Laden is dead but the butcher of Gujarat lives and he is the prime minister of India politics mein aaye Asif Ali Zardari sahab ke chahne par aur walid the aur walida ka bhi zimmedari un par aa gayi ab sabse badi training unki ye hui ki unko wazir e kharja bana diya gaya और उनके इंटरनेशनल कनेक्शन एस्टेब्लिश हुए हुक्मरानी का एक्सपोजर हो वजीर को एक नई पॉलिटिक्स करना होती है सियासी जलसों के अलावा जो बिलावल भुट्टो हैं बुनियादी तौर पर वो अपने नाना की शख्सियत के हवाले से जाने जाते हैं उनकी सियासत के हवाले से जाने जाते हैं उनके दादा भी सियासतदान थे उनका तर्ज सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ था हाकम अली जरदारी साहब का वो नैप के लीडर थे और मेरा ख्याल सिंध नैप के सदर भी रहे हैं और जो हाकम अली जरदारी की सियासत थी वो एक रवायती सियासत है जो पाकिस्तान के पंजाब में और खुसूसन सिंध के अंदर ऊपरी तबकात के लोग करते हैं एक मैनेजमेंट की पॉलिटिक्स जरदारी साहब ने वो काफ़ी अपनाई हुई है वो उसको मैं हुक्मरानी की सियासत कहता हूँ बिलावल भुट्टो की जो सियासत है वो हुक्मरानी की सियासत तो है कोई हर्ज नहीं होता या आसफा भुट्टो की उनकी जो बहन है वो अपनी वालदा और वालदा के वालिद से अपना सियासी ताल्लुक जोड़ते हैं वो उन्हीं के पोते हैं उन्हीं के नवासे हैं सियासी हवाले से वरासती हवाले से और वो कोशिश करते हैं कि अगर उन्होंने अपने नाम के साथ भुट्टो लगाया है तो वो भुट्टो बनकर दिखाएं वालदा की तरह और अपने नाना की तरह इसीलिए उनकी जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर एक सेकुलर अप्रोच है और एक टॉलरेंस है और एक तबकाती अप्रोच भी है वफाकी अप्रोच भी है उन्होंने रिस्क लेकर लाहौर में जो इलेक्शन लड़ा कि शायद उनको भी अंदाजा होगा कि मैं ना जीतूं लेकिन उन्होंने ये साबित किया कि नहीं मैं लाहौर से इलेक्शन लड़ूंगा यानी वो सिंध तक अपने आप को महदूद नहीं रखना चाहते वो तबकाती भी हैं वो वफाकी पॉलिटिक्स भी करना चाहते हैं मजदूरों की बात भी करते हैं किसानों की भी करते हैं यकीनन भुट्टो जितनी नहीं करते चूंकि जमाना बदल गया पार्टी भी काफी छोटी हो गई लेकिन उनका जो पॉलिटिकल महवर है पॉलिटिक्स का बुनियादी तौर पे वो नाना की पॉलिटिक्स और वालदा की पॉलिटिक्स है Pakistan People's Party has always been a progressive force in Pakistan and I feel that that's the way forward and that's the sort of politician that I'd like to be उनकी पर्सनालिटी के दो फेजेस हैं उनकी तरबियत उनकी वालदा ने सिर्फ मां के तौर पे नहीं की उनकी वालदा ने उनको जो तरबियत की जो उन्होंने अपने वाले से सीखी सेकुलर पॉलिटिक्स और प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स और यकीनन मोहतमा बेनजी भुट्टो लेगेसी है थी जुल्फिकार अली भुट्टो की यानी कि मजदूर किसान मेहनत कश जमहूरियत इसलिए उनका आखिरी जो एक बहुत मशहूर मकूला है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज तो एक तो बिलावल की वो तरबियत हुई कम उम्र में बिलावल भुट्टो को पॉलिटिक्स में आना पड़ा और उस वक्त यकीनन वो लोगों को भी नहीं थे जानते पाकिस्तान के समाज को भी इतना नहीं थे जानते उन्होंने जो 2008 के बाद जो लोगों से रابطे शुरू किए ग्रेजुअली तो होते होते उनको ज्यादा पता चला भुट्टो क्या थे तो उन्होंने लर्न किया पहले वालदा से और फिर अवाम से और अवाम ने उनको बताया उनके पार्टी के प्लेटफॉर्म से कि पॉलिटिक्स में जुल्फिकार अली भुट्टो क्या थे जुल्फिकार अली भुट्टो सेकुलर थे जुल्फिकार अली भुट्टो सिंधी कॉम्प्रेस नहीं थे जुल्फिकार अली भुट्टो पंजाब में ज्यादा पॉपुलर थे सिंध से ज्यादा ये बड़ी अहम बात है ये उन्होंने सीखा इसीलिए उन्होंने ये रिस्क भी लिया मैं फिर कहूंगा लाहौर से इलेक्शन लड़ने का और वो पंजाब पर डिपेंड करना चाहते हैं क्योंकि पंजाब पावर सेंटर है I have told the children that your father is an honest man and a brave man and that your father is being punished by fanatics and zealots who hate your mother because she's a woman who wants to transform Pakistan from a backward conservative rigid society into an enlightened progressive forward looking nation ye to bhi zindagi unki aisi thi ki abhi jane ka waqt nahi tha mohtarma bezi bhutto ka to abhi bilawal pad rahe the mera nahi khayal ki unhone aise socha hoga jaise zulfikar ali bhutto ne socha tha कि बेजी भुट्टो सियासत में आएंगे ऐसे नहीं था सोचा अगर ऐसे सोचा होता तो उनकी ट्रेनिंग करती मुझे एक वाक्या याद है आज तक कहीं नहीं छपा कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी बेटी को वजीर आजम पाकिस्तान ने अपनी बेटी को बगैर एयर कंडीशन के गाड़ी पे मुमताज कहलू साहब को कहा जो पीपल्स पार्टी पंजाब के लीडर थे वजीर भी थे कि इनको पंजाब के गाँव और देहातों में ले जाओ यानी उनकी ट्रेनिंग थी खाली शिमला नहीं थे लेके गए और बगैर एयर कंडीशन की गाड़ी के
तो वो पंजाब में घूमती थी, पार्टी की किसी मीटिंग में नहीं आई। भुट्टो साहब जब तक इकतदार से में रहे 77 तक उनके औलाद के किसी का नाम का नहीं था पता कि बेंजीन उनकी कोई बेटी है, मुर्तजा उनके बेटे हैं, जैसे आजकल पता होता है लीडरों का, लेकिन वो तरबियत कर रहे थे। लेकिन बेंजी भुट्टो ने यकीनन एक सियासतदान थी माँ के तौर पे भी, तो वो जो सियासतदान माँ होगी तो वो सियासी बातें तो करती होंगी ना। लेकिन अभी उनकी ना उम्र थी इस जहान से जाने की, ना बिलावल की उम्र थी पॉलिटिक्स में आने की, वो तो तालीम छोड़कर आए, तो उनको फिर सीखनी पड़ी पॉलिटिक्स। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा बेनजीर भुट्टो, हमारा बेटा, आपका वर्कर आपके दरमियान है, मगर अब उसकी ट्रेनिंग का वक्त है, अब उसने आप में रहना है, उसने वर्करों में रहना है, उसने यहाँ सीखना है। वो पॉलिटिक्स में आ नहीं थे सकते अगर आसिफ अली जरदारी ना चाहते, तो वो तो पॉलिटिक्स में आए आसिफ अली जरदारी साहब के चाहने पर, और वालिद थे और वालदा का भी जिम्मेदारी उन पर आ गई। तो मेरा ख्याल ये फैसला आसिफ अली जरदारी साहब का था कि उनका बेटा और बेटी पॉलिटिक्स में आए, और बिलावल भुट्टो पॉलिटिक्स में आए। मुझे वो वक्त याद है जब ऐवान सदर में उन्होंने पहली तकरीर की, तो उनके करीबी वजीर होते थे उन दिनों बाबर अवान, जो पीटीआई के रहनुमा हैं, उन्होंने ये तकरीर लिख के दी थी, मेरे वो बड़े दोस्त हैं, तो बड़ी जज्बाती तकरीर की, तो मेरे से बाबर अवान साहब ने कहा कैसी बिलावल ने तकरीर की है। खैर मैं उस तकरीर से मुतफिक नहीं हुआ, चूंकि वो बड़ी जज्बाती तकरीर थी कि सर मांगोगे सर देंगे, शहादतें मांगोगे शहादतें देंगे। तो मैंने बाबर अवान साहब को कहा कि आप पीपल्स पार्टी को शहादतों शहीदों की पार्टी नहीं गाजियों की पार्टी में बदल दें, मौत से निकालें, इसे मर्सी और मौत से निकालें, आगे की बात करें। तो वो पहला कोई उनका खिताब था, उस वक्त इनकी हुकूमत थी, ऐवान सदर में वो कोई तकरीब थी, और बाबर अवान चूंकि जरदारी साहब के बड़े करीबी लोगों में से थे वजार के दिनों में, हुकूमत के दिनों में, तो मुझे जो इतलात दी उस वक्त बाबर अवान साहब ने कि उन्होंने तकरीर लिख के दी। तो ये सारी पॉलिटिक्स में आने का फैसला तो आसिफ अली जरदारी साहब ने किया, और अभी भी उनकी रहनुमाई तो करते हैं ना वो पॉलिटिक्स में, वालिद भी हैं, पार्टी के हेड भी हैं। जरदारी साहब बड़े जहीन सियासतदान है पाकिस्तान के, वो कोई आम सियासी लीडरों की तरह नहीं है। और सबसे बड़ी ट्रेनिंग उनकी ये हुई कि उनको वजीर खारजा बना दिया गया और उनके इंटरनेशनल कनेक्शन इस्टेब्लिश हुए। यकीन पाकिस्तान के फायदे के लिए भी सोचा होगा उन्होंने, जैसे वो कहते हैं कि हमने आलमी जो रबते थे खसूसा वेस्ट में, यूरोप में, अमरीका में, वो कायम किए। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब बहुत गहरे सियासतदान हैं, उन्होंने आलमी ताल्लुक भी बनाए अपने बेटे के लिए, यानी कि जो पार्टी के लिए और पाकिस्तान के लिए काम आएंगे। तो इस हवाले से जरदारी साहब ने भी तरबियत की अपने बेटे की कि उनको हुकूमत में ऐसा अहदा लेके दिया कि उनके एक इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, हुक्मरानी का एक्सपोजर हो। वजीर को एक नई पॉलिटिक्स करना होती है सियासी जलसों के अलावा, पार्टी पॉलिटिक्स के अलावा। और अब हम देखते हैं कि जब वो शहबाज शरीफ से रबतों में होते हैं आसिफ अली जरदारी साहब, तो बिलावल भुट्टो के साथ भी मीटिंग होती है। अगर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग जो जारी है 12-13 तारीख को जो हुई इस्लामाबाद में, उसमें जरदारी साहब के साथ साथ बिलावल भुट्टो सदारत कर रहे हैं बराबर के, तो जरदारी साहब एक ट्रांजिशन दे रहे हैं बिलावल भुट्टो को पॉलिटिकल लीडरशिप की पार्टी में। तख्ते लाहौर का सवाल और तख्ते लाहौर का लड़ाई पाकिस्तान को ले डूबेगा। देखें जब 2008 के बाद जो इंतखाबात आए 13 में, उसमें तो बिलावल भुट्टो साहब का ऐसा रोल नहीं था, लेकिन 18 में उन्होंने इंतखाबी मुहिम बड़ी शानदार चलाई। और मुझे मेरे नोटिस में ये बात आई कि वो जो तकरीरें कर रहे हैं, फिर मैंने उनको कुछ पैगाम पहुंचाया कि आप ये जीटी रोड की पार्टी ना कहें उनको, आप तख्त लाहौर को ना कहें, ये तो तख्त लाहौर तो आपके नाना का है, ये जीटी रोड तो पंजाब का एक अर्बन सेंटर है, इसको सपोर्ट लें। तो उन्होंने पंजाब 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 करना शुरू कर दिया, और 18 की कैंपेन उन्होंने बड़ी डिसेंट पॉलिटिक्स के तौर पे चलाई, उन्होंने कोई गंदी जबान इस्तेमाल नहीं की, और उन्होंने एक अपने आप को सिंधी लीडर के तौर पे नहीं पेश किया गया। वो उनकी सारी ताकत जो इलेक्टोरल पावर पॉलिटिक्स की ताकत है वो सिंध के अंदर ही बुनियाद रखती है, लेकिन वो बड़ी कोशिश करते हैं कि पंजाब के अंदर वो इलेक्टोरल सपोर्ट हासिल करें, अवामी सपोर्ट हासिल करें, और पीपल्स पार्टी का जो खोया हुआ यहाँ एक साख है वो वापस आए। गो उसमें भी कामयाबी नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स तो करते और करते चले जाने का नाम है।
वो कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए इनको बहुत कुछ करना होगा, सिर्फ तकरीरें और जलसे नहीं, पूरी पार्टी का ढांचा बदलना होगा पंजाब के अंदर। फाइनली मिस्टर स्पीकर, आई'd लाइक टू थैंक एंड कंग्रेचुलेट द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट एंड विश हिम गुड लक। जुल्फिकार अली भुट्टो का किसी से भी मुकाबला नहीं किया जा सकता, उससे पहले और बाद में आने वाले लीडरों, हत्ता के बेनजी भुट्टो साहब से भी नहीं किया जा सकता। बेनजी भुट्टो तो परचम लेके आई अपने वालिद का और जिम्मेदारी से उन्होंने परचम शहादत तक निभाया। हाँ, बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट के अंदर बहुत शानदार कारकर्दगी की, इनकी पहली स्पीच ही बड़ी पॉपुलर हुई जिसमें उन्होंने सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की टर्म इस्तेमाल की, सिलेक्टेड हुकूमत की टर्म इस्तेमाल की, फिर पार्लियामेंट के अंदर उनकी तकरीरें बड़ी अच्छी हैं और उनका जो टॉन्ट करने का अंदाज है बड़ा अच्छा है। इश्यूज को वो जानते हैं, फॉरेन पॉलिसी को, इकोनॉमिक्स को, पॉलिटिक्स को लर्नर हैं, लेकिन उनको उर्दू अपनी बहुत अच्छी करनी चाहिए, ये बहुत अहम बात है। जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद ने भी अपनी उर्दू ठीक करने के लिए सियासी लोगों से उर्दू सीखी थी जो इर्द गिर्द थे उनके, तो ऐसी तरबियत जारी रहनी चाहिए उनकी पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट से बाहर, लेकिन पार्लियामेंट में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। I'd like to remind the honorable foreign minister of or the minister for external affairs of India that Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives and he is the prime minister of India. He was banned from entering this country until he became prime minister. खैर, उन्होंने कोशिश की है कि वो अपने नाना के वजारत खारजा का तर्ज अपनाएं। जितने भी वजरा खारजा हुए हैं 8-10 अभी 20-30-40 सालों में, उनमें सबसे अच्छे वजीर खारजा रहे हैं। उन्होंने जैसे भारत के साथ क्यादत के साथ बात की, जब टॉन्ट करते थे, जब बात करते हैं, तो ही कैन बी ए वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर अदर देन जुल्फिकार अली भुट्टो। तकाबुल फिर कोई नहीं। हर जमाने की अपनी फिक्र होती है, हर जमाने के अपने हीरो होते हैं। मैं आज तक जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद से मुतासिर हूं, मैं उनका आशिक हूं, गो मैं एक रैशनल आदमी हूं, लेकिन आज के जमाने में अगर जुल्फिकार अली भुट्टो भी आ जाएं खुद दोबारा, तो आज के जमाने की बात करेंगे, आज के नॉर्म्स बदल गए हैं, समाज बदल गया है, डेमोग्राफिक चेंजेस आ गई हैं, जबान बदल गई है, सियासत बदल गई है, मोईशत बदल गई है, तो इस तनाजुर में एक नई बात करनी चाहिए, सिर्फ मर्सिए पढ़ देना। और मैं ये कहता रहूं कि मैं बहसियत फरूसिल गोइंदी बड़ी जदोजहद की है, लोग इसको नहीं मानेंगे, नौजवान मेरी ये बात ज्यादा सुनेंगे कि हमें क्या करना है, इस मुल्क की कैसे बेहतरी आ सकती है। तो हमें, मैं ये कहूंगा कि बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी सारी तारीख से निकले, तारीख बयान जरूर करे लेकिन हाल में रहे, हाल में रह के मुस्तकबिल की बात करे, तो तब वो नौजवानों में मकबूल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो इफ यू वॉन्ट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कॉन्टेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल।